पहाड़ियाँ जो आपको देखने को मिल रही हैं या आपको शहरों में कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती, तो ये चीज़ें आपको बस यहीं मिलेंगी। इस तरह से लेकिन थोड़ा सा डेंजरस है, आपको संभल के चलना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, मोबाइल नहीं ले जा सकते यहाँ। इतनी ठंड में देखते हैं पानी का टेम्परेचर क्या है, टच करके देखते हैं पानी को भाई। सच में ऐसा लग रहा है बर्फ़ से पिघलकर पानी यहीं पर आ रहा है, और वाकई में बहुत मज़ेदार लजीज। ऐसे वक्त में अगर इस तरह की मैगी मिल जाए तो मज़ा ही है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको मैगी ही मिलेगी। यहाँ पर ये समझ लीजिए आप, नेशनल फूड मैगी ही करार दिया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यही खाते हैं। तो ये मैगी ही है जो यहाँ जान बचा के रखती है। क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी तो पश्मीना 10,000 का भी जाता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 तक भी जाएगा। अगर परसेंटेज रहे तो 2,000 से स्टार्टिंग रहेगी। हेलो, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं अभी हूँ मनाली में और मैं आपको मनाली घुमा रहा हूँ। और आप दोस्तों, आज मैं मनाली में दिखाने जा रहा हूँ 3 जगह, नग्गर कैसल और वाटरफॉल जो कि सजल वाटरफॉल के नाम से मशहूर है वो दिखाऊँगा आपको, और कुल्लू विलेज दिखाऊँगा। तीनों जगह पर आप बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत ही खूबसूरत एरिया, बहुत खूबसूरत जगह है। तो आप हमारे साथ जब तक रहेंगे तब तक आप पूरा घूम लेंगे मनाली। और ये देखिए, यहाँ पहाड़ों पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से आप सफ़र करेंगे हमारे साथ। आप कार भी कर सकते हैं अपने लिए और बस भी कर सकते हैं, इसी तरह आप ट्रैवल कर सकते हैं आप, और पूरा आप पूरी मनाली घूम सकते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं, हमारे साथ बने रहिएगा तीनों जगह पर, आइए। हेलो दोस्तों, मैं अभी हूँ सजल वाटरफॉल में। ये यहाँ पर जब आते हैं आप मनाली में तो यहाँ पर कई सारे ऐसे झरने दिखाई देते हैं आपको जो कि इस खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं, जिनमें से एक सजल वाटरफॉल है जो ये देख लीजिए पहाड़ों से उतरता हुआ ये यहाँ नीचे की तरफ जा रहा है। और ये पानी देखिए बहुत ज़्यादा साफ़ और क्लीन है, और यहाँ पर लोग आते हैं, छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर, लोग आते हैं यहाँ पर, देखते हैं नज़ारे, खूबसूरत फोटो स्पॉट है यहाँ पर, फ़ोटो खिंचवाते हैं लोग। ये देखिए बड़े बड़े पत्थरों के बीच से ये पहाड़ी से निकलता हुआ झरना नीचे की तरफ जा रहा है, और ये जाकर के नदी में मिल जाता है। और इस तरह के बहुत सारे आपको वाटरफॉल मिलेंगे यहाँ पर, वैसे भी इजी लगती है। और ये देखिए भाई, वाह क्या बात है, क्लीन वाटर। और उधर देखिए मस्ती कर रहे हैं लोग। अभी थोड़ा सा वक्त सुबह का है, ठंड काफ़ी है, बोलने में दिक्कत आती है, सबसे बड़ी बात है थोड़ी सी। मैंने आपने देखा होगा कि मैंने जैकेट पहने हुए, हाथ मेरे देखिए इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अब मैं जेब में हाथ डाल के थोड़ा सा गर्म करता हूँ तब जाके ये देखिए ये जो है थोड़ा सा पुलिया है बीच में, ये क्रॉस करके उधर से जाके उधर आके आप इसमें फोटो की शूट करवा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए ये पत्थर है, ये बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं वो। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया आप देखते हैं तो आपको नेचुरल फीलिंग आती है कि नेचर ने कितनी खूबसूरती के साथ इन चीज़ों को बनाया होगा। और देखिए पेड़ पौधे इतने अच्छे, ग्रीनरी यहाँ पर है, तो लोग इस वजह से भी आते हैं कि कुदरत का नज़ारा देखें, शहरों की भीड़ भाड़ से दूर होकर यहाँ आते हैं लोग ताकि थोड़ा एंजॉय कर सकें और नेचर से जुड़ सकें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर। और चलिए आपको और भी दिखाता हूँ मैं कहाँ तक ये पानी जा रहा है। इतनी ठंड में देखते हैं पानी का टेम्परेचर क्या है, टच करके देखते हैं पानी को भाई। सच में ऐसा लग रहा है बर्फ़ से पिघलकर पानी यहीं पर आ रहा है, क्योंकि पानी जो है ना वो बर्फीला ही पानी होता है पूरा का पूरा। और ये बहुत ठंडा है भाई, सच में जो नहा लेना उसको मैं इनाम दूंगा, अगर नहा लेना 500 रुपये इनाम, कोई एक्सेप्ट करेगा तो बताइए। दोस्तों इस छोटे से पॉइंट में आपको यहाँ पर समर कैफ़े भी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सिड्डू, मोमोज, मैगी, पराठा, बर्गर और ऑमलेट वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। हमने यहाँ पर मैगी और कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया है, और देखते हैं क्या टेस्ट है यहाँ का। इस छोटी सी जगह पर आप क्या ही उम्मीद रखते हैं, लेकिन फिर भी आपको बताएंगे कि क्या टेस्ट है। और मैं आते हैं यहाँ पर पूछते हैं कि इस लोकेलिटी की क्या खासियत है, कितने लोग आते हैं डेली वाइज और क्या बनाते हैं लोग। हेलो मैम, कैसे हैं आप? अच्छे हैं हम। मैम क्या क्या बनाती हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ चाय कॉफ़ी बनाते हैं, मैगी बनाते हैं, मोमोज बनाते हैं, सीडू बनाते हैं, ब्रेड ऑमलेट बनाते हैं,
ऑर्डर पे हम चिकन चावल सब कुछ चिल्ली पनीर वगैरह सब बनाते हैं, दाल चावल। अच्छा, तो बड़ा टेस्टी होता होगा आपका तो यहाँ पर। अच्छा एक बात है, यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, कितने लोग आते हैं डेली बेसिस? बहुत लोग आते हैं, यहाँ गर्मी में तो यहाँ जगह नहीं होती है बैठने की, लेकिन आजकल अब ये सीजन खत्म हो रहा है तो आ रहे हैं, फिर भी हमारे कहीं ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा आते हैं। सर्दियों में कम आते हैं? सर्दियों में भी ज्यादा आते हैं, अब कति दिसंबर तक तो बहुत थे, अब सीजन डाउन है तो अब दिहाड़ी हम कमाई लेते हैं। फिर जगह का नाम क्या है पूरा बताइए? एक नौनाला सजला वाटरफॉल। वाटरफॉल है, सजला वाटरफॉल है। हाँ, तो यहाँ देख सकते हैं आप किस तरह से मैगी बन रही है और गर्मा गर्म मैगी बना रही है, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं जगह पर। ये देखिए यहाँ की पहाड़ी मैगी अलग ही होती है, यहाँ की मैगी बिल्कुल टेस्टी टेस्ट अलग होता है, वो आपको भी बताएंगे। और आप बताइए मैम, कितने सालों से आप यहाँ पर हैं? हाँ, हमारे को तो अभी पीछे लॉकडाउन से पहले थे हम ना, फिर बंद हो गया, फिर लॉकडाउन में, फिर अभी 2 साल हो गए, अब 2 साल से हम यहीं हैं। पीछे आप लोग यही काम करते हैं? हाँ, यही काम करते हैं हम। फिर यहाँ पहले था नीचे तक, अब बाढ़ आ गए, बाढ़ से बह गया सारा ही। अच्छा, वेरी गुड। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, ड्रेस ये पट्टू है ना हमारा, कुल्लू भी ड्रेस कुल्लू का ये कुल्लू, जैसे पट्टू लगाते हैं ना हम, फिर यहाँ ठंडा नहीं होता था इसलिए पट्टू लगा के आते हैं हम। अच्छा, यहाँ इसी तरह के ड्रेस पहनते हैं, गर्मी लगती है आपको? अच्छा हाँ, तब यहाँ ठंडा नहीं होता महसूस। जैकेट की जरूरत नहीं पड़ती आपको? जैकेट भी लगाते हैं, जैसे ये वाले गर्म जैकेट हो लगाते हैं, पट्टू के साथ नहीं, ऐसे ही लगाना जब सूट लगाए। ये देखिए यहाँ पर देसी जुगाड़ भी क्या हुआ है, ये देखिए बोतल लगा दी है और ये पानी बह रहा है यहाँ से। इसी साल, इससे पिछले साल यहाँ पर बहुत तेज़ बाढ़ आई थी जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था यहाँ हिमाचल में, और आपने सुनी भी होगी न्यूज़ में भी और देखा भी होगा अगर आप यहाँ के रहने वाले हैं तो, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था। और ये बता रहे थे कि होटल भी कुछ दिनों के लिए इनका रेस्टोरेंट बंद हो गया था। तो ये देखिए पानी बहुत है, एक तो यहाँ पर ऊपर से पानी का बहाव इतना तेज़ होता है और जब बाढ़ आ जाए तो फिर क्या ही कहने होते हैं कि पानी का विकराल रूप हो जाता है। ये देखिए आप, गर्मा गर्म मैगी तैयार है, आप देखते हैं टेस्ट करके कैसी मैगी बनी है, पहाड़ी मैगी कहते हैं इसको। आग भी जल गई भाई, क्या कहें भाई, मज़ा आ गया। एक तो पहाड़ी में आपको मैगी, ऊपर से सामने आग हो और इधर नहर हो, पानी का झरना हो, क्या ही कहने, क्या ही सीन है, बहुत नज़ारे। और ये देखिए कॉफ़ी भी तैयार है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है शहरी कॉफ़ी, ये लग नहीं रहा कि मैं यहाँ पर जो कॉफ़ी पी रहा हूँ, और वाकई में बहुत मज़ेदार लजीज। ऐसे वक्त में अगर इस तरह की मैगी मिल जाए तो मज़ा ही है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको मैगी ही मिलेगी यहाँ पर, ये समझ लीजिए आप नेशनल फूड मैगी ही करार दिया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यही खाते हैं, तो ये मैगी ही है जो यहाँ जान बचा के रखती है। कॉफ़ी ट्राई करते हैं, कॉफ़ी यहाँ की कैसी है, थोड़ी सी मीठी ज़्यादा है, बाकी बेहतरीन है। एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर मिठास बहुत ज़्यादा है दिलों में लोगों के, इसलिए चीनी थोड़ी ज़्यादा डालते हैं, तो यहाँ भी मिठास ज़्यादा है तो चीनी थोड़ी ज़्यादा है, बाकी बेहतरीन है, टेस्ट बहुत अच्छा है। दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं नगर कैसल के लिए, नगर कैसल यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, और ये देखिए हम खूबसूरत वादियों से पहाड़ों से निकल कर जाएंगे, और आप हमारे साथ देखते रहिएगा, ये बहुत ही अच्छा रास्ता है, खूबसूरत रास्ता, और मंज़र भी देखिए आप, क्या ही कहने भाई, मज़ा आ रहा है देखने में भी, और आपको भी उम्मीद है कि मज़ा आ रहा होगा, खिली हुई धूप और चारों ओर देखिए आप पेड़ पौधे हैं, खूबसूरत नज़ारे, और सबसे अच्छी बात यह है कि पहाड़ियाँ जो आपको देखने को मिल रही हैं ये आपको शहरों में कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती, तो ये चीज़ें आपको बस यहीं मिलेंगी, जो चीज़ें यहाँ आप देख सकते हैं वो हर जगह नहीं देख सकते। एक आप तो या तो जम्मू एंड कश्मीर जाएंगे तो इस तरह के नज़ारे आपको मिलेंगे, या तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो है कि मनाली में, और ये देखिए मनाली, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं सामने, और मैं वहाँ जाकर आपको दिखाऊँगा कि नगर कैसल क्या है, किसने बनवाया, क्या हिस्ट्री है उसकी, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा और दिखाऊँगा, हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, तो चलिए आपको वहीं मिलते हैं। दोस्तों कुछ याद आया आपको ये देख के, सीन देखकर, आपने मूवी देखी होगी जब वी मेट, और कई सारी मूवीज़ है यहाँ पर जो शूटिंग हुई है, तो
उन सब की शूटिंग यहाँ पर हुई है। ये वो जगह है जिसको नगर कैसल के नाम से जाना जाता है। कैसल है ये, बहुत बड़ा महल ये समझिए उस टाइम का बनाया हुआ, बहुत पुराना सा है ये। देखिए यहाँ पर काफ़ी फिल्में शूट हुई हैं और जिनमें से जब वी मेट है, और भी कई सारी फिल्मों की शूटिंग हुई जिनमें से ट्यूबलाइट और बैंग बैंग भी है। ये आपने मंजर देखा होगा इस तरह का, उन फिल्मों में बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। मैं पीछे दिखा दूँगा आपको, ये सब ये सारे नज़ारे उसमें दिखाए गए हैं। आप कभी गौर से देखेंगे तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये कैसल जो है वो नगर में है, वो नगर यहाँ पे एक जगह है, और ये आप नीचे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गहराई में आपको दिखेगा क्योंकि काफ़ी हाइट पर है ये जगह। वाह भाई क्या सीन है, यहाँ से देखिए, ओ भाई क्या बात है। दोस्तों अभी मैं नगर कैसल में हूँ, आपको इस पॉइंट पर भी लोग लाएंगे यहाँ पर घुमाने के लिए, विजिटर्स यहाँ पर बहुत आते हैं तो इस वजह से लोग भी यहाँ पर ले करके आते हैं। यहाँ इस वजह से लाते हैं कि यहाँ से ऊपर से ना काफ़ी खूबसूरत मंज़र दिखता है पूरा का पूरा ना, आप यहाँ से देखेंगे तो पूरा वैली नज़र आने वाला है यहाँ से, इसलिए लोग यहाँ पर लाते हैं। और ये एक असल में म्यूज़ियम है जिसके मैं प्राइस की बात करूँ टिकट की तो 50 रुपीज़ पर हेड है, और मॉर्निंग 9 o'clock से 6 o'clock तक ये खुला होता है, तो आप इस दौरान कभी भी आ सकते हैं, तो यहाँ से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लोग रहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर क्या कल्चर है वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, किस तरह से लोग ज़मीन से जुड़े हुए रहते हैं, किस तरह से लोग अपने कल्चर से जुड़े होते हैं, यहाँ अच्छी मिसाल आपको मिल जाएगी। ये कैसल का इनसाइड एरिया है, इनसाइड क्या आउटसाइड क्या, यहीं से पूरा सब कुछ दिखता है, कैसे घर होते हैं यहाँ पर, इस तरह के होटल्स हैं, वो सब का सब दिखेगा आपको। बहुत रश है काफ़ी अंदर, यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। देखिए पूरा इस तरह बनाया गया महल, कैसल जो होता है ना महल को कहते हैं, इस तरह का बनाया गया है, इसको म्यूज़ियम के रूप में दिया गया है, लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, तो इस पर्पज़ से बनाया गया है ताकि आप शूटिंग भी करवा सकें, यहाँ कई सारी फिल्मों की शूटिंग हुई। आप दोस्तों जब भी आप मनाली आएँ तो सबसे पहले आप चेक करें GoIBO से, या आप मैक माई ट्रिप से चेक करके आएँ और बुकिंग करा के आएँ, उससे आपके लिए इजी होता है, क्योंकि शहर में जब नए नए आते हैं ना तो बड़ी परेशानी हो जाती है कि कहाँ आपको घर लेना है, कहाँ आपको होटल से लेना है, तो इसके लिए काफ़ी परेशानी होती है। तो आप पहले चेक कर लीजिए क्या प्राइस है, क्या रेट्स हैं, तो उससे आपको परेशानी नहीं होगी। से यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आएँ चेक करके आएँ और बुकिंग करके आएँ, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये नगर कैसल का बाहर का एरिया है, यहाँ से आपको कुछ टैक्सीज वगैरह मिल जाएंगे। दोस्तों ये आ गया है, अब हम जा रहे हैं कुल्लू की तरफ, और हमारे साथ अनिल जी हैं, बताएंगे सर कितनी दूर है यहाँ से। यहाँ से 12 किलोमीटर और दूरी पर है कुल्लू, वहाँ पर आपको दिखाएंगे क्या ख़ास है कुल्लू में, क्या है सर वहाँ पर। वैसे सर से पूछा जाए तो एक तो शॉल फैक्ट्री है जहाँ पे शिप्स के तो चलिए वहाँ पर आपको पहुँच के दिखाएंगे। जब आप आते हैं यहाँ पर कुल्लू घूमने के लिए तो आपको यहाँ पर एक फैक्ट्री दिखेगी, महादेव शॉल फैक्ट्री है ना, यहाँ पर आपको वुलन कपड़े मिल जाएंगे काफ़ी अच्छे। तो यहाँ पर जब एक पॉइंट है, यहाँ पे आगे राफ्टिंग है, और उससे पहले आपको यहाँ पर एक जगह मिल जाती है, तो हम अंदर आके देखते हैं कि क्या क्या वहाँ मिल रहा है, और मैम अंदर हैं वहाँ पर, उनसे पूछेंगे। मैम आपका स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल पे। मैम क्या नाम है आपका पहले? मेरा नाम रितु ठाकुर है जी मैम, और हम लोग मेरे शॉल इंडस्ट्री का नाम आप महादेव शॉल इंडस्ट्रीज है, सो वेलकम। थैंक यू मैम।
तो लोग जानना चाहते हैं जब यहाँ आते हैं यहाँ पर जी कुल्लू, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें खास है, स्पेशल है आपके यहाँ पर जो लोग आए यहाँ पर? जी जी सर, स्पेशली हमारा रहता है जैसे हमारा लोकल शॉल होता है, स्टॉल होता है जो कि यहाँ का हैंडमेड आता है, टोटल जैकेट स्वेटर कारपेट ब्लैंकेट ईटीसी मतलब ऑल आता है। सो क्या देखना चाहेंगे आप, हम आपको दिखा देंगे भाई। तो जैसे स्वेटर्स वगैरह है या जी कोई जो ट्रेडिशनल हैंडलूम रहता है यहाँ का ट्रेडिशनल, आपको स्टार्टिंग का शॉल दिखा देती हूँ। थैंक यू। स्टार्टिंग हमारा रहता है ट्रेडिशनल शॉल, ठीक है, ये हमारा कुल्लू पट्टी रहता है, इसको हम सिंगल पट्टी बोलते हैं, ये हमारे शॉल रहते हैं। इसका स्टार्टिंग प्राइस अगर कुल्लू पट्टी का देखा जाए तो हमारा स्टार्टिंग रेंज में 500 से रहता है। बाकी इवन क्वालिटी बाय क्वालिटी आपको इसके जो है डिज़ाइंस बाय क्वालिटी, जैसे हमारा लोकल शॉल रहता है याकबुल का, तो हमारे फेमस शॉल रहते हैं इस तरह के जो डिफरेंट हमारे सिर्फ वीविंग पे रहता है, या हमारा ट्रेडिशनल में आपको लोकल ट्रेडिशनल दिखा रही हूँ जो यहाँ की बनती है चीज़ें, बाहर की हम रखते नहीं, वैसे परचेजिंग नहीं करते। हाँ, इसमें क्वालिटी बहुत होती है, या जैसे ये याकबुल प्योर आता है, इसमें आता है जीआई टैग, यानी कि यहाँ पर याक या जीआई टैग जिसका मतलब ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग, जो हर किसी पे नहीं लगता है, वो हमारी हैंडलूम की जो बिल्कुल 100% प्योर चीज़ होती है वो ऐसी आती है। इसमें 80-20 का फर्क रहता है, लेकिन ट्रेडिशनल कुल्लू का ही आएगा सारा शॉल। सो इस तरह के हमारे स्टॉल भी आते हैं, स्वेटर भी आती है, जैकेट भी आती है। सो इस तरह का ब्लैंकेट आता है हमारे पास, इसमें पश्मीना ब्लैंकेट भी है। जी जी। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको पता देखो हिमालयन वो गॉड का होता है पश्मीना वुल, जी जी जी, जी रैबिट वुल, ये सारे। हाँ ब्लैंकेट सर, स्टार्टिंग आपका रहेगा इसका 600 रुपीज़ से, बाई आपको अगर एसी ब्लैंकेट चाहिए तो उसकी रेंज आपको 1200 से रहेगी, अगर पश्मीना ब्लैंकेट चाहिए तो उसका आपका स्टार्टिंग रहेगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है जी जी जी, कश्मीर जी और मनाली में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है जी सर, उसके लिए आप लोग क्या स्पेशल लगते हैं जो ब्लैंकेट में जी सर? एक ब्लैंकेट ले लें और पूरा कवर हो जाए आपका, मैं दिखा देती हूँ, मैं 2 मिनट आपसे बाहर आ जाऊंगी यहीं से ही। सो उसके लिए हमारा स्टार्टिंग रहता है यहाँ से करना, अपने हमारा सबसे अच्छा और यूनिक चीज रहता है हमारे पास पश्मीना ब्लैंकेट जो बोथ सीजन के अकॉर्डिंग चलता है। ये हमारा आता है स्टार्टिंग, आज वाला स्टार्टिंग ये रहता है हमारा सबसे बेटर। ऐसे आपको नॉर्मल ब्लैंकेट हर जगह मिल जाएगा, लेकिन इसकी जो चीज़ आती है आप टच करके देख लीजिए, बहुत सोवर सॉफ्ट रहता है, कलर कलेक्शन की बहुत सारी है। सो इस तरह का रहता है हमारा याकबुल का, जो आपको विंटर में यूज़ कर सकते हो तो इसको आप समर में यूज़ कर सकते हैं। ये पश्मीना होती है, ये नेचुरल हीट देती है, ये समर विंटर में अपनी हीटिंग रखती है, समर में आपको ठंडक में आएगी, विंटर में आपको यूज देती है गर्म बुल का सर। दो काम हो रहे हैं जी जी जी, ये इंक्लूड दोनों सीजन के लिए रहता है। अगर प्राइस बताना चाहे तो कुछ, ये आपका रहेगा स्टार्टिंग अगर देखा जाओ तो 4400 आपको पता है पश्मीना की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी तो पश्मीना 10,000 का भी जाता है, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 तक भी जाएगा, अगर परसेंटेज रहे तो 2,000 से स्टार्टिंग रहेगी जी। और इस तरह का हमारा ये हमारा लोकल लूम्स आती है, सो इसको मैं वीविंग कर लेती हूँ। अच्छा आप खुद बनाते हो? हाँ, इसको मैं वीविंग कर लेती हूँ, हमारा ऐसे भी आपको पता देखिए हैंडलूम इंडस्ट्री के सारे का, ये हमारा पार्ट टाइम काम रहता है इधर, जब हम बेले हुए जैसे फ्री टाइम हुआ तो हम लोग इसको जो है वीविंग कर लेते हैं, ऐसे होते हैं हमारे हिमाचली डिज़ाइंस, ये देख लीजिए जो मैं डिज़ाइन दे रही हूँ, इसमें मेरा कोई ऐसा नहीं है कि कोई पावलूम यूज़ हुआ है या फिर कोई मेरा दूसरा कोई देखने के लिए रखा हुआ है, हम ये मेरा माइंड गेम है सारा, आप डिज़ाइन कोई भी दे सकते हो। ये इसके मतलब स्टफ होते हैं जो वीविंग के टाइम में काम आते हैं, ये है मेरा डिज़ाइन बनते हैं, डिज़ाइन आप कितना भी चाहिए शॉलों पे भी ऐसे ही बनते हैं। दोस्तों ये कुल्लू है और कुल्लू में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ग्राफ्टिंग के लिए जगह जगह आपको ये इस तरह की ये जो है ना प्राइस नहीं है नंबर ग्राफ्टिंग है, उसमें कराते हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं और नीचे चल के आपको दिखाएंगे कि कितना क्या कर रहे हैं वो लोग, क्या प्राइस और लोगों से आप देखेंगे वो लोग अभी लेके जा रहे हैं, ये प्राप्ति वहाँ से लेके जाएंगे और वहाँ से लाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इनका काम चल रहा है, लेकिन यहाँ से वहाँ तक आप देखेंगे पूरा का पूरा मिलेगा, तो आप जब भी कुल्लू आए तो आप इस तरह से अगर करना चाहें इंजॉयमेंट देखेंगे तो यहाँ करना चाहें तो कर सकती हैं, बहुत हिली एरियाज में इस तरह के आपको कमी देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा डेंजरस है, आपको संभल के चलना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, मोबाइल नहीं ले जा सकते आप, तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखा जाए क्योंकि ये सेफ्टी पर्पज़ से ही लोग बताए।
अगर कुल्लू में आप राफ्टिंग करना चाहते हैं तो इसके चार्जेस में बता देता हूँ। इसके चार्जेस हैं, 4 किलोमीटर तक आपको 400 रुपये लगते हैं और 8 किलोमीटर तक 550 रुपये, और राफ्टिंग जो करते हैं 10 किलोमीटर तक वो 700 रुपये तकरीबन लगते हैं, और 14 किलोमीटर तक वो 8 से 1000 तक रुपये चार्ज करते हैं। आपको यहाँ ड्रेसअप और सारी चीज़ें क्लोथ्स वगैरह मिल जाएंगी। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, बाकी ड्रेसअप वगैरह इनकी तरफ से। विदेशी सैलानी यहाँ पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट के रूप में आते हैं। अगर टाइमिंग की बात की जाए तो मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये आपको एक्टिविटी कर सकते हैं। बाकी राफ्टिंग के अलावा और भी जगह है जो आप फोटोशूट करवा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी जगह है, काफ़ी पॉइंट्स हैं, यहाँ आप आकर फोटोशूट करा सकते हैं, क्योंकि ये रिवर बहुत फेमस रिवर है यहाँ की। सेफ्टी पर्पज़ से देखें तो यहाँ मोबाइल अलाउड नहीं है, यहाँ शूटिंग अलाउड नहीं है, आप अपनी तरह से नहीं कर सकते, वो खुद ही देते हैं, खुद प्रोवाइड करते हैं कैमराज वगैरह, उनके हेलमेट में लगा होता है। बाकी हेलमेट्स अनिवार्य है, ज़रूरी है, और आपको ड्रेस लेनी ज़रूरी होती है क्योंकि उससे डूबने का ख़तरा नहीं रहता है। आप वहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जो आप, अगर आप गिर जाते हैं बाई चांस तो सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको 3 जगह की सैर कराई, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप कहाँ कहाँ गए हैं कमेंट करके हमें बताइएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है और किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए। आपने हमारा साथ दिया अभी तक, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हम आपको घुमाते रहेंगे, जगह जगह की सैर कराएंगे। तो हमारे इस चैनल को